बहुत बड़ी भारत की सांस्कृतिक धरोहर थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको जला के नष्ट करने के बाद में तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी की नजर गई थी तिब्बत की तरफ। लेकिन तिब्बत पर अटैक करने के लिए उसे जरूरत थी असम के राजा राजा पृथ्वीराज, लेकिन राजा पृथु ने बख्तियार खिलजी की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया और ये बात बख्तियार खिलजी को कहीं ना कहीं पच नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसने बदले की भाव से असम पर हमला करने की सोच ली। जब राजा पृथु को बख्तियार खिलजी के इस इंटेंशन के बारे में पता चला, तब उन्होंने बहुत क्लेवरनेस के साथ में एक मूव खेला। उन्हें अच्छे से पता था कि तुर्कों की जिस तरीके से लड़ाई करने की टेक्निक्स हैं, वो एक्चुअली में प्लेन लैंड्स के ऊपर काम कर सकती है। तुर्कों को एक्चुअली में वर्षा ऋतु में लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्होंने खिलजी से कहा कि वर्षा ऋतु के बाद आक्रमण करके दिखाओ। खिलजी ने इसे एज अ चैलेंज लेके वर्षा ऋतु के बाद ही आक्रमण करा। तब तक राजा पृथु ने वहां के सारे राजवंशी और जितने भी जनजाति थे उन सबको इकट्ठा कर एक ऐसी आर्मी क्रिएट करी जिसके सामने तुर्क इतना सा भी नहीं टिक पाए। वहां ऐसी कंडीशंस थी लड़ने की जिनमें सिर्फ और सिर्फ राजा पृथु और उनके सैनिक ही माहिर थे, जिसकी वजह से आधे ज्यादा तुर्क सिपाही ब्रह्मपुत्र रिवर के मगरमच्छों के शिकार बन गए और बाकी के बचे कुछ को राजा पृथु और उनकी सेना ने संभाली लिया।